हाँ, पहले भी नहीं था, कुछ लोग बीच में इस तरह की बात, कोई दूरी नहीं थी। एमपी शहाबुद्दीन साहब लगातार राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता के रूप में रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया है। इसमें तेजस्वी जी खुद, अब उनको बहुत ही था कि ओसामा के हम शादी में जाएं, तेजस्वी जी भी आए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ओसामा साहब की निकाह हुई, उस निकाह में तेजस्वी यादव भी शरीक हुए। हालांकि जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी और उसके बाद उनका जो मैयत निकला था उसमें भी नहीं शामिल हुए। जब दुखी परिवार सिवान में इंतज़ार कर रहा था, ओसामा इंतज़ार कर रहे थे, उस वक्त भी नहीं मिले। और इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं सिवान के मुसलमानों में एक ज़बरदस्त गुस्सा है तेजस्वी यादव के प्रति। हालाँकि फिर दो जगहों पर उपचुनाव हैं, इसको लेकर फिर से तेजस्वी यादव ने रणनीति के तहत दावा तो यही किया जा रहा है कहीं ना कहीं जो ओसामा के निकाह है वहाँ पहुँचे। लेकिन उनके पहुँचने के बाद उन पर जो बयान है वो हम बयानों का हमला शुरू हो गया। दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर उन्हें कह दिया कि वो वोटों के लिए मुसलमानों को फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने आए हैं। लेकिन कोई मुसलमान उनके वोट नहीं करने जा रहा है, इन दोनों चुनाव में उनकी हार होगी। लेकिन इस मौके पर राजद के कुछ दिग्गज नेता भी पहुँचे थे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि विधायक है राजद के, वो पहुँचे, और मोहम्मद खालिद पहुँचे जो तेज प्रताप यादव के बहुत करीबियों में से माने जाते हैं और राजद के सिपाही माने जाते हैं। इन दोनों ने जो बातें कहीं वो आपको जानने लायक हैं। जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल किए गए कि तेजस्वी दुख में नहीं आए, आज खुशी में आए, तो देखिए क्या कुछ कहा शहाबुद्दीन के इन करीबियों ने। बहुत खुशी का दिन है, छोटा भाई है और हादसा से घर गुजर रहा था, आज खुशी का दिन आया है। बहुत बड़ा हम लोग ला आज अफसोस, क्या बोला जाए, शहाबुद्दीन साहब रहते तो क्या से क्या होता। मैं बहुत रीति रिवाज से इस्लामी तरीके से बहुत लोग को नाखुश है कि शादी में नहीं बुलाया गया है, मगर हम लोग चन ही लोग को दावत, जो घर मेंबरशिप थे उन्हीं लोग को दावत दे के निकाह हुआ है। और इसमें तेजस्वी जी खुद, अब उनको बहुत ही था कि ओसामा के हम शादी में जाएँ, तेजस्वी जी भी आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आए, शाहीन भाई आए, हम लोग आए पटना से। हम तो दो दिन रोज से हैं, ओसामा के साथी हैं और सभी लोग को, सिवान के लोग को बहुत खुशी है। इंशाल्लाह 13 तारीख को हम लोग बारात भी जाएंगे चांदपाली। इंशाल्लाह बहुत खुशी के दिन है, बहुत खुशी की बात है। बहुत सादगी के साथ शादी को, नहीं बहुत सादगी के साथ इसलिए हुआ है, आप लोग को बताना क्या है, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब की ऐसी सी हादसा हो गई है तो आदमी लोग बहुत गम में थे। ओसामा को ये सब चीज़ जरी सन पसंद नहीं था और सादगी से वो खुद शादी किया है। ए वो उसके घर पर यहाँ या हुआ लाइट कभी हम लोग नहीं देखा होगा। और हम लोग को क्या है, मरे को अच्छे से निकाह हो गया और बहुत खुशी की बात है। चलिए, गम में नहीं आए तो खुशी में शामिल हुए हैं, शामिल हुए हैं तुम तो आज तो आमने सामने हो गई ओसामा और तेजस्वी यादव की। हाँ ठीक है, आज बहुत खुशी का दिन था और खुशी में निकाह में हो हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या लगता है खालिद जी की सारे सिकवे के लिए आज खत्म हो गए उनको? अरे वो तो राजनीति का देखो यार बात है, क्या समझे, आज खुशी का दिन है और सब खुशी का बात करो, क्या समझे। आप लोग भी मुबारक हो, आप लोग भी बहुत अच्छा सब कुछ किया है, साथ साथ रहे हैं। अब मीडिया कर्मी को हम हमेशा भाई मानते हैं अपना, और आप लोग को भी ज़्यादा खुशी है, आप लोग भी तो निकाह में शामिल हों सब भाई, आपको इसीलिए सबसे पहले खुशी का मौका है। शादी विवाह जीवन में महत्वपूर्ण होता है, सबके जीवन में यह पल आता है और ओसामा की आज शादी है, इसीलिए बहुत सादगी के साथ शादी करके मिसाल पेश किया है उन्होंने कि चंद 150-125 लोग के बीच में, वरना आप जानते हैं कि ओसामा साहब और उनका फैमिली का जो कद है उस हिसाब से 50,000 लोग जमा हो सकते थे, लेकिन किस सादगी के साथ उन्होंने 150 लोगों के बीच आकर के शादी करने का काम किया है, इससे एक मैसेज देने का काम किया कि शादी ब्याह को आसान बनाना चाहिए। और इसके लिए हम खास तौर से नेता प्रतिपक्ष को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस सादे शादी समारोह में वो यहाँ पर आए और ओसामा को बधाई दिया है। हम लोगों ने पार्टी की तरफ से बधाई दिया है, आदरणीय नेता हम लोग के सिद्दीकी साहब बधाई दिए हैं, तमाम पार्टी के लोग ओसामा के नए ज़िंदगी जो शुरू हो रहा है उसके लिए हम लोग बहुत शुभकामना देते हैं कि आने वाला ज़िंदगी उनका बहुत खुशगवार हो, उनको संतान हो, उनका परिवार बढ़े और जो लड़की आए यहाँ उससे भी इस इलाके में और खुशहाली आए। जो दूरी थी बीच की वो खत्म हो
हाँ पहले भी नहीं था, कुछ लोग बीच में इस तरह की बात, कोई दूरी नहीं थी। एमपी शहाबुद्दीन साहब लगातार राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता के रूप में रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया है। ओसामा भी उसी तरह जिस तरह एमपी साहब ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, और ओसामा भी उसी सोच के हैं और उन्हीं के एमपी साहब की सोच के तहत वो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।